हाय ऑल ऑफ यू, आज जो हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो है परसेंटेज के ऊपर। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सभी में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आपको आते ही हैं, बट इसका एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में बहुत है। जैसे कि कोई भी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, या किसी भी न्यूमेरिकल की हम बात करें, नंबर सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की बात करें या एवरेज की बात करें, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी चैप्टरों में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, उन सभी चैप्टरों में आपको परसेंटेज का एप्लीकेशन दिखाई देगा। उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज का एक इनपुट होता है कि उस क्वेश्चन को परसेंटेज के फॉर्म में पूछने का एक तरीका होता है। तो वहाँ पर जो परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज के बारे में कुछ पता नहीं है या आप उसके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं तो उस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। आपको लगेगा यार मैं जो समझ रहा हूँ क्या वो सही समझ रहा हूँ, और अगर वो सही नहीं समझ रहा हूँ तो जो भी टाइम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो तो टोटल वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, और इसी चक्कर में आप बहुत सारे अच्छे और इजी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम अभी परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज के बाद फिर प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो तीन चैप्टर हैं ये लगातार हम पढ़ेंगे, और इन तीन चैप्टर में लगातार जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज का कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर एवरेज और बाकी के चैप्टर्स भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अगर किसी भी चीज़ में हमें कंपैरिजन करना है ना, किसी भी चीज़ में अगर हमें कंपैरिजन करना है कि भाई ए के पास कितना ज़्यादा पैसा है बी से, या ए के कितने ज़्यादा मार्क्स हैं बी से, है ना, या ए ने कैसे परफॉर्म किया बी के मुकाबले, तो आप कहीं भी जाओ, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस में जब आप काम करोगे तो आपका एक डाटा तैयार किया जाता है हर एक वर्कर का कि कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन कैसा काम कर रहा है वो किसी ना किसी से तो कंपेयर करेंगे ना कि अच्छा हाँ ये इनके मुकाबले ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये ज़्यादा इफ़िशियंट हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जाता है वो कंपैरिजन को शो करने का एक तरीका है परसेंटेज। ठीक है, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपसे क्या पूछा जाता है कि कितने परसेंटेज थे आपके या कितने परसेंटाइल थे आपके, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एम टेक के लिए जो करते हैं, गेट की जो तैयारी करते हैं, गेट का जो पेपर देते हैं, उनके लिए परसेंटाइल शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज बेसिकली क्या है, परसेंटेज बेसिकली है कि फॉर द कंपैरिजन बिटवीन द टू और थ्री और एनी क्वांटिटी। ठीक है, कितने भी टाइप के, कितने भी तरह के क्वांटिटी हो सकते हैं उनके बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उनके कंपैरिजन में आपको परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल भाषा में लिखें तो या समझें तो हम ये लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि परसेंटेज tell us how large or small a quantity is as compared to some other quantity. ठीक है, क्या कहा मैंने कि percentage tell us how large or small a quantity is as compared to some other quantities. तो कोई भी quantities किसी दूसरी quantity से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है वो हमें क्या बताता है, percentage बताता है। ठीक है, तो percentage जो है वो basically हमारे लिए क्या है, फॉर द कंपेरिजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं कि इट टेल्स अस हाउ लार्ज और स्मॉल ए क्वांटिटी इज एज कंपेयर टू सम अदर क्वांटिटीज। ठीक है, सम अदर क्वांटिटी या क्वांटिटीज एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो परसेंटेज बेसिकली क्या है, फॉर द कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं
अगर किसी भी चीज़ों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सर परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर एक की पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये की पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में देखना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। बट अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको अगर नहीं पता है कि कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी और कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में आएगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर ऑफ लिखा हुआ है या देन लिखा हुआ है तो वो चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑफ लिखा हुआ है बी के आगे, या बी के आगे देन लिखा होता तो ये बी कहाँ जाता, डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो वो क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में जाएगा आपका जिसके आगे ऑफ या जिसके आगे देन लगा हुआ है, ठीक है सर। ये तो ठीक है, आपने बता दिया। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, समझाइए और क्या कर सकते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये हो गया कि ए अपॉन बी इंटू कितना, 100। ये बात समझ में, ठीक है। ये जो परसेंट होता है इसको बोलते हैं अपन परसेंट। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के साथ ये लगा हुआ है तो परसेंट का मतलब ये होता है पर सेंट, सेंट मतलब 100। तो इसका मतलब ये अगर परसेंट है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। बात समझ में। तो अगर लिखा हुआ है 30%, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, 30/100 लिखा हुआ है। ये लिखा है 20%, इसका मतलब ये 20/100 लिखा हुआ है। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ये बात समझ में, 20/100 लिखो या 20% लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये तो चीज़ समझ में आ गई, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज जब आप निकाल रहे होते हो तो किसी भी फ्रैक्शन को जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपने अगर सीखा होगा, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप उस फ्रैक्शन में क्या करते हो, उस फ्रैक्शन में इंटू क्या कर देते हो, 100 कर देते हो। समझ में आया, समझ में आया। अगर किसी भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है इसको आप क्या करोगे, अपॉन 100 कर दो, ठीक है, मतलब इसके नीचे 100 लगा दो, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको आता होगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि सर अगर ये पूछा जाए कि ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी, ठीक है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने कोई पेपर दिया, कोई एग्ज़ाम देने गए आप, कितने नंबर का पेपर था, 100 नंबर का, आपके कितने हैं, 50, तो आपके कितने आए, 50 आए, पेपर कितने का था, 100 का, तो आपके परसेंटेज कितने आए, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 550/100 × 100। ये क्या है, आपके जितने में से जितने आए हैं उसको इंटू कर दिया 100 से, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, परसेंट मिल जाएगा। बात समझ में। अगर 600 नंबर का पेपर है और आपके 300 आए हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको 600 में से कितने नंबर मिले, 600 में से कितने नंबर मिले हैं, मतलब ए जो है वो बी का कितना है, मतलब 300 जो है वो 600 का कितना है, 50% है ना भाई, 300 जो है वो 600 का क्या है, 50% है ना। ये बात तो समझ में आती है ना, 600 का 50% अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे, 300, मतलब ए जो है अगर इसको ए बोलें और इसको बी बोलें तो ए जो है वो बी का कितना है, 50% है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है
कि ए जो है वो बी का कितना है। तो अगर ए बी का कितना है ये निकालना है, तो ए ऊपर आएगा और बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इनटू क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, सिमिलरली अगर हम ये बोल देते कि बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, अगर ऐसा कुछ लैंग्वेज में लिखा हो, तो बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, ऑफ ए मतलब ए नीचे जाएगा बी ऊपर आएगा, इनटू कितना हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, क्या चीज़ है कि भाई मान लीजिए ए कुछ है बी कुछ है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसमें से कोई एक ज़्यादा होगा कोई एक कम होगा। मान सकते हैं ना ऐसा कि कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, जैसे कि मान लो ये 10 है और ये 8 है, तो 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो 8 किससे छोटा है, 10 से छोटा है, 10 किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है, ऐसे ही ना, समझ में आया, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अब 10 लिख दो आप और बोलो 10 क्या है, तो 10 10 है, बट 10 किससे बड़ा है, तो सर 10 9 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, किससे बड़ा आप पूछना चाह रहे हैं, तो 10 के नीचे जो कुछ भी है वो उससे बड़ा है, और किससे छोटा है, 10 के ऊपर जितने भी हैं उससे सबसे छोटा है। अगर आप किसी क्वांटिटी का नाम लोगे तो आप बताओगे ना कि हाँ 10 8 से छोटा है, 10 8 से बड़ा है, 8 10 से छोटा है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसमें आपको अगर बताना हो कि भैया ए बी से कितना छोटा है ना, बी ए से कितना बड़ा है, इस तरह की अगर कोई बात हो कभी, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होता है उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल, अभी इस एग्जाम्पल को भूल जाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए इज वॉट परसेंट मोर देन बी, ए इज वॉट परसेंट मोर देन बी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपसे पूछ रहा है कि ए इज वॉट परसेंट मोर देन बी, मतलब ए बी से कितना ज़्यादा है, तो ए बी से कितना ज़्यादा है, तो वो कैसे पता चलेगा भैया, डिफरेंस निकालो इन दोनों का। वो डिफरेंस कैसे निकालोगे, ए में से बी माइनस करोगे, क्योंकि ए ज़्यादा है बोल रहा है ना, वो तो ये बोल रहा है ना कि ए बी से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा, ये बताओ, तो कितना ज़्यादा है वो कैसे बताओगे, उनके बीच का डिफरेंस बताओगे ना, एक 10 है और एक 8 है, तो 10 8 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ऐसे ही बताओगे ना, कैसे 2 ज़्यादा है, 10 में से 8 माइनस कर दो आ जाएगा 2, तो ये आ गया इसका डिफरेंस। अब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ पर आएगी, ये चीज़ आएगी आपकी डिनोमिनेटर में। बात समझ में आई, तो अगर इस तरह की कभी कोई चीज़ें आएँ, तो यहाँ पर अगर ए इज़ वॉट परसेंटेज मोर, अगर ए ज़्यादा है तो मतलब कितना ज़्यादा है ये पूछ रहा है, तो a माइनस बी करो, और नीचे किससे कंपेयर कर रहे हैं वो लिख दो, मतलब b से कंपेयर कर रहे हैं तो b इंटू कितना कर दो, 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी कि a इज़ वॉट परसेंट मोर देन b, तो a b से कितना ज़्यादा है, तो a माइनस बी का डिफरेंस निकाल लो। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस जो भी अमाउंट है वो लिखो अपॉन b, अपॉन b क्यों लिखा, क्योंकि देन लगा था, इनटू 100 कर दो, तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख दो, बात खत्म, समझ में आया। और डिफरेंस क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव थोड़ा लिखोगे, है ना, समझ में आया। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि बी इज वॉट परसेंट लेस देन ए, अब ध्यान से देखो, अब ये ए से कंपेरिजन कर रहा है, अब बी इज वॉट परसेंटेज लेस देन ए, तो अभी भी जो डिफरेंस आएगा अभी भी वो कितना आएगा, ए माइनस बी ही आएगा, समझ में आया, ए माइनस बी ही आएगा, बट इस बार आप कंपेरिजन किससे कर रहे हो, ए से कर रहे हो, तो यहाँ पर जो अब आपका जो आएगा वो आएगा ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस अपॉन ए इंटू 100। तो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में जो कहा था कि जो डिफरेंस है वो आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव में लिखना है, कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, किस तरह का कंपैरिजन हो रहा है, एक तो कंपैरिजन हो रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो जो पहला वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा कि भैया ए बी का कितना प्रतिशत है, समझ में आया, एक है कि भैया ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, या बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, समझ में आया। जैसे कि अगर इस चीज़ को हम ये समझें कि अगर ए की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 8 है, फॉर एग्जाम्पल, और आपसे पूछा जाए कि A इज़ वॉट परसेंटेज
ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो ए अपॉन बी इंटू 100 ऐसी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/8 × 100। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। और अगर आपसे ये बोला जाए कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी का मतलब ये हो गया कि अब आएगा ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो ए माइनस बी मतलब 10 में से 8 चला गया, कितना बचेगा 2, अपॉन बी मतलब 8 इंटू कितना 100, तो ये कितना आ जाएगा 25%। मतलब ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, 25% बड़ा है। समझ में है, ये 2/8 का मतलब कितना होता है 1/4, 100/4 कितना होता है 25 होता है, तो 25%। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इस चीज़ों को आपको समझना है कि ये अगर पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए कितना है ना बी का, तो ए ऊपर बी नीचे। अगर ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो ए कितना प्रतिशत बी से बड़ा है ना, तो बी कहाँ आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस। समझ में आया, अगर इससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो ऊपर हमेशा क्या आएगा डिफरेंस आएगा, और नीचे क्या आएगा जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उसके साथ में क्या लगा होगा, देन लगा होगा, ऑफ लगा होगा, वो चीज़ हमेशा कहाँ जाएगी डिनोमिनेटर में जाएगी। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर एक चीज़ होती है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू थी ए, अब वो वैल्यू बन गई बी फॉर एग्जांपल। तो ये जो वैल्यू थी ये क्या थी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है मान लीजिए फाइनल वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो अब आपसे बोल रहा है कि अगर ए अगर बी बन गया तो कितना प्रतिशत का चेंज आया, कितना प्रतिशत का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जो होता है वो आता है डिफरेंस अपॉन इनिशियल, अपॉन इनिशियल इनटू 100। बात समझ में, बात समझ में। अच्छा अब इसका क्या मतलब है ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर ये डिफरेंस तो पहले भी कर रहे थे, और इनिशियल का मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियल का मतलब ये है कि आप जो इस समय परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हो, या आप बात कर रहे हो कि भैया मान लो फॉर एग्जांपल सॉरी इस साल पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है, और अगले साल इतनी हो गई, तो कितना प्रतिशत चेंज आया पॉपुलेशन में, तो कितना प्रतिशत चेंज आया पॉपुलेशन में, वो कंपेयर किससे करोगे, इनिशियल से करोगे ना, कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, उससे क्या पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा, और उसको कंपेयर किससे करोगे, पहले कितनी थी मतलब इनिशियल से, तो वही तो लिखा है यहाँ पर। बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है ना। या कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई, तो कितना प्रतिशत चेंज हुई है ना। या हो सकती है कि पहले जितनी थी बाद में उससे कम हो गई, तो कितना प्रतिशत चेंज हुई। तो वो जो चेंज है, वो जो चेंज है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है ना कि नहीं, हो सकता, हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या लिखना है, डिफरेंस, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिफरेंस, और यहाँ पर क्या लिखना है, हमेशा इनिशियल। अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज़ 100 थी, अब वो चीज़ जो है वो 150 हो गई है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो आपने क्या लिखा है यहाँ से कि भैया यहाँ पर डिफरेंस कितना है 50 का, इनिशियल कितना है 100 इंटू कितना 100, तो कितना प्रतिशत चेंज हुआ, 50% चेंज हुआ। अब आप बताओ कि 50% इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो तो यहाँ से देख के पता चल रहा है ना कि 100 से 150 बड़ा है कि छोटा, बड़ा, इसका मतलब 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना। समझ में आया। बट सर अगर कोई चीज़ मान लीजिए 50 थी, अब वो जो चीज़ है वो 100 हो गई, तो अभी इनका परसेंटेज चेंज कितना हुआ कि भैया डिफरेंस कितना है 50, पहले कितना था 150 इंटू कितना 100, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कितना करोगे 50/150, मतलब ये हो गया 1/3 इंटू कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 33.33%, ठीक है।
तो अब ये बताओ 33.33% इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो आप देख लो कि 150 से अगर आप 100 की तरफ जा रहे हो तो आप नीचे की ओर जा रहे हो कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर, मतलब ये 33.33 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? वो तो डाटा से आप देख के बता सकते हो ना। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो कहने का जो मेरा मतलब था वो ये था कि ये जो डिफरेंस है ये आपको हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया? नेगेटिव में वैल्यू ना पुट करें, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका थोड़ा बहुत बेसिक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बट उसके पहले मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है फ्रैक्शन, ठीक है, या फ्रैक्शंस बोल रहे हैं इसको, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं, और ये सर अगर ये तरीका इतना इम्पॉर्टेंट है तो फिर जल्दी से डिस्कस करिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 जो है वो 100% है, ऐसा मान लें कुछ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा मान लें 1 जो है वो 100% के इक्विवेलेंट है, तो इस 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 1 का आधा, मतलब 100 का भी आधा, तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये बात समझ में आती है आपको? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अच्छा, तो सर ये 1/4 कितना हो जाएगा? तो 1/4 कितना है? 1/2 का आधा है ना, तो मतलब 50 का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा? 25। ये 25% हो गया। अच्छा सर, तो ये 1/8 कितना हो जाएगा? तो 1/8 कितना हो जाएगा? 1/4 का आधा हो जाएगा, तो 25% का आधा कितना होगा? 12.5%। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो 1/8 आ गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, 1/2 के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/3, 1/3, 1/4 तो लिखा हुआ है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 लिखा हुआ है, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने। अभी इन सब की वैल्यूज़ जो है वो हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ, 1/14 की वैल्यू कितनी होगी, 1/15 की वैल्यू कितनी होगी, 1/16 की वैल्यू कितनी होगी, 1/17 की वैल्यू कितनी होगी, 1/18 की वैल्यू कितनी होगी, 1/19 की वैल्यू कितनी होगी, और 1/20 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, 1/20। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमें 1/20 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप इसको याद करोगे, आप याद आपको हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से हर एक चीज़ यूज़ नहीं होती है हमेशा, ठीक है, एक आध वैल्यू तो कभी यूज़ नहीं होती है, बट ये होता है कि सर आप 1/1 से लेकर 1/20 तक जा रहे हो तो बीच में कोई वैल्यू अगर स्किप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न आप दोगे? ये नहीं आता, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं आता, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना। बट आमतौर पे जो भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जहाँ से भी आपके पास मटेरियल आए, बुकों में, रेफरेंस किताबों में आप देखोगे, तो आपको देखेगा कि यार ये कभी भी ये वैल्यू तो कभी यूज़ ही नहीं हुई, तो वो एक एक्सेप्शन वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, क्या समझना है वो देख लीजिए। तो सर यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सर आपने बोला कि 1 जो है वो 100% है, तो उसका आधा किया तो 50%, आधे का भी आधा कर दिया तो 25%, उसका फिर से आधा कर दिया तो 12.5%, अब 1/8 का आधा करोगे तो कितना होगा? 1/16, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 1/16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.25%। ये बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अब 1/16 का आधा करोगे तो 1/32, वो तो वहाँ तक तो जाना नहीं है, अपने को तो 1/20 तक जाना है, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अच्छा सर, अब ये 1/10 जो होता है वो कितना होता है? 10, ये तो आसान है ना भाई, 1 को 10 से डिवाइड करो तो 100 को भी 10 से डिवाइड करो। 1/20 कितना होगा? 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो 1/10 जो है वो 1/10% हो गया, तो 1/20 कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, तो सर ये भी बहुत आसान है। 1/5 जो है वो कितना होता है? वो 20% होता है,
ठीक है सर, तो ये भी आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी बहुत आसान है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अब 1/3 निकाल रहे हैं, तो 1/3 क्या होता है, 33.33%। 100 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 33.33 आ गया, ठीक है। तो ये तो सर 1/3 आ गया। अच्छा तो ये 1/3 आ गया, तो इस 1/3 का अगर आधा करोगे तो क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। इसका मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, तो इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 16.66%। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो आसान है। अब 1/6 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 1/12 मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, तो इसका आधा करो, तो इसका आधा करोगे तो क्या मिलेगा, 8.33%। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का कंफर्म श्योर? तो यार ये तो बहुत आसान है, मतलब अगर 1 को 100% माने तो 1 का आधा 1/2, 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%, 1/8 मतलब 12.5%, 1/16 मतलब 6.25%। ठीक है, ऐसे याद कर लिया। फिर 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 पे आ जाओ। 1/3 क्या होता है, 33.33, तो 1/3 का आधा 1/6, 1/6 कितना होगा, 33.33 का आधा कर लो कितना होगा, 16.66। ओके अब 1/6 का आधा करो, 1/12, तो वो कितना हो जाएगा, 8.33। ठीक है अब 1/12 का आधा 1/24, तो 24 तक तो जाना नहीं है, 20 पे रुकना है अपने को। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब सर ये 1/3 को ध्यान से देखो, 1/3 को ध्यान से देखो, 1/3 का अगर 1/3 कर दो, 1/3 का अगर 1/3 कर दो, मतलब 1/3 का 1/3 कर रहे हैं तो कितना होगा, 1/9 होगा ना। हाँ या ना, होगा ना। तो इसका मतलब इसका अगर 1/3 कर दें तो इसका भी 1/3 करना पड़ेगा, तो इसका 1/3 मतलब 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11.11%। 11.11%। बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। और अगर 1/11 निकालोगे तो वो मिलेगा आपको 9.09%। 9.09%। ये बात समझ में, आप डिवाइड कर लो 100 को 11 से, 11 9 से 99 होता है, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, फिर 9 से करोगे, 11 9 से 99। ठीक है तो 9.09। ठीक है और एक और तरीका है जो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है याद रखने के लिए। तो ये तो सर इतने सारे तो निकल गए, जो बच गए अब उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है उसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। तो सर ये 1 हो गया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, अब 1/7 बचा। तो सर 1/7 क्या होता है, तो 1/7 जो होता है वो होता है 14.28%। 14.28%। ठीक है अच्छा क्या होगा, आप अगर वैल्यूज याद आप नहीं भी करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर आगे पीछे की वैल्यूज़ पता हैं, जैसे 1/6 की वैल्यू अगर आपको पता है कि यार 16.66 होता है और 1/12.5 होता है, तो इसके बीच में 16 और 12 के बीच में क्या आएगा, ऐसी कोई वैल्यू जो मैंने यूज़ भी की होगी, तो 1/7 आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ 14.28 होता है। दूसरा 7 2 14 और 7 4 20, ऐसे याद कर लेना। ठीक है अगर याद करना ही है कुछ तो ऐसे याद कर लेना कि सर 7 की टेबल में क्या आता है, 14 और 28 आता है ना, तो बस 1/7 का क्या होगा, 14.28 होगा। इस तरह से मेमोराइज कर लेना। अच्छा सर अब 1/7 आ गया, तो सर 1/7 का भी आधा कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/7 का आधा कितना होगा, 1/14 होगा, तो 1/14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7.14। 1/14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.14। तो आप 1/14 की अगर डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है तो ऐसे याद कर लो कि 14 का आधा 7 और यहाँ पर क्या है, 14। ठीक है तो यहाँ तो डेसिमल के बाद 14 लिख दो और डेसिमल के पहले क्या लिख दो, 14 का आधा लिख दो, हाफ ऑफ 14 लिख दो, ऐसे याद रखना है। या तो 1/7 का मेमोराइज है अगर आपको, तो 1/7 का आधा करोगे तो आ ही जाएगा 7.14। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। समझ में आया? ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इस बोर्ड पे जो भी मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मैसी हो रहा है, तो आप घबराइए मत, कॉन्सेंट्रेट करके रखिए। मैं इसको एक बार और अलग से भी इसको समझा दूंगा, बट अभी अपना ध्यान इस पर रखिए। ठीक है और अभी आपके दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मैं दूसरी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर इनिशियल्स वैल्यू याद हैं तो उसी का 1/3, उसी का 1/5, उसी का 1/4 करते जाओ, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 1/3 है आपके पास, तो 1/3 का अगर 1/4 कर दोगे
वन बाय थ्री का अगर 1/4 कर दोगे तो 1/12 की वैल्यू तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, मतलब 33.33 को 4 से डिवाइड कर दो तो भी निकल जाएगा, है ना। तो इनिशियल की कुछ वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो आप बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, आपको मेमोराइज़ नहीं करना है इसको, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया, तो अब यहाँ पर इस लाइन में क्या बच गया, 1/13 बच गया। तो सर 1/13 कितना होता है, 1/13 होता है 7.69%, ठीक है, समझ में आया। 1/15 क्या होता है, तो 1/15 का एक तरीका है कि या तो 1/5 का जो 1/3 निकाल लो, या तो 1/3 का 1/5 निकाल लो, जो भी आपको आसान लगे। तो 1/5 ये है, इसका आसानी से आप 1/3 निकाल सकते हो, मतलब 20 को 3 से डिवाइड कर दो। 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.66, है ना भाई। 3 6 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा है 0, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, है ना, तो ऐसे चलता जाएगा। तो 6.66%, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 1/17 कितना होता है, 5.88% होता है। 1/18 कितना होता है, 5.55% होता है। 1/19 कितना होता है, 5.26% होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी लास्ट में वैल्यू आपको पुट की है, 1/17, 18, 19, 13, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टोटली अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी नहीं है, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, आप चाहे इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, या कोई रेफरेंस किताब से या कोई नोट से आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1/13 और 1/17, 18, 19, ये वैसे तो आमतौर पर ये नॉर्मल क्वेश्चनों में नहीं पूछे जाते हैं, है ना। अब ये अलग बात है कि अब हम वीडियो में ऐसी बातें डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप आना शुरू हो जाए, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसको पढ़ें नहीं, इसको याद ना रखें, बिल्कुल याद रखें। और आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और छोटी छोटी चीज़ों पर ही ध्यान रखेंगे तो ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर ये तो मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज़ आ गई, इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा मैसी हो गया है, थोड़ा सा हॉच पॉच तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से, बट मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं बस ये चाह रहा था कि एक ही स्क्रीन पे सारी वैल्यूज़ आ जाए ताकि आप इसको कंपेयर कर सको, है ना। अच्छा तो सर ये सिर्फ इतनी वैल्यू याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, मैंने कहा याद नहीं करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ याद नहीं करना, आप प्रैक्टिस करो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। बट सिर्फ इतनी ही वैल्यू नहीं है, इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, बट वो वैल्यूज़ हमें याद नहीं करनी है, ना उसको हमें मेमोराइज़ करना है, हमें उसका सिर्फ बेसिक ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, जैसे कि मान लीजिए आपने अभी क्या पढ़ा, 1/3 पढ़ा, तो 1/3 आपने क्या पढ़ा, 1/3 पढ़ा आपने 33.33%, यही पढ़ा आपने, हाँ पढ़ा सर। तो आपसे पूछ सकता है कि 2/3 क्या होता है, तो 2/3 क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 66.66%, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी। या 1/3 का कोई भी फ्रैक्शन पूछ सकता है, 4/3, 5/3, है ना, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। जैसे कि आपने 1/4 पढ़ा, तो 1/4 कितना पढ़ा, 25% पढ़ा, तो 3/4 कितना होता है, 3/4 सर फिर कितना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 75%, समझ में आया। आप 1/5 आपने पढ़ा, कितना होता है, 20% होता है, तो अगर कोई बोले कि बताओ 2/5 कितना होगा, तो 2/5 कितना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 40%, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80%, बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का। अब आपने जैसे 1/9 पढ़ा, तो 1/9 क्या पढ़ा था, 11.11%, तो अब 2/9 अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, 22.22% होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा अगर कोई बोले कि नहीं 4/9 बताओ क्या होता है, तो भाई 4/9 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 44.44% हो जाएगा, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अच्छा आपने अभी 1/11 पढ़ा, तो 1/11 कितना पढ़ा आपने, 9.09, तो अगर कोई बोले 2/11 कितना होता है, तो भाई 18.18, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या जैसे कि आपने 1/6 पढ़ा था, तो 1/6 आपने क्या पढ़ा था, 16.66% पढ़ा था, 1/6 16.66%, तो अगर कोई आपसे बोले कि बताओ 5/6 क्या होता है,
तो भाई 5/6 कितना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 83.33%। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? आपने क्या पढ़ा कि 1/8 कितना होता है, तो 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो कोई आपसे पूछे अच्छा बताओ 3/8 कितना होता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 37.5%। 5/8 कितना होता है बताओ, तो 5/8 कितना होता है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 62.5%। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अगर कोई बोले अच्छा बताओ 7/8 क्या होता है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 87.5। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का आसान है, ईजी है, पक्का? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, इनका जो बेसिक है वो ये इस वाली शीट पे आपको दिख रहा है, इस वाले जो बोर्ड है या आपकी स्क्रीन है इस पे आपको दिख रहा है। अगर आप ये 1 से लेकर 1/20 तक याद रखते हो, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बैठ जाता है, तो फिर इससे मिलता जुलता कुछ भी अगर आएगा तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया, क्योंकि इसकी तो कोई सीमा नहीं है ना कि 1/3 के साथ में 5/3 कर दिया उसने, 4/3 कर दिया उसने, है ना, 7/3 कर दिया उसने, तो आपको 1/3 मालूम है तो 1/3 का 7 टाइम्स कर दिया तो 7/3 आ जाएगा, 1/3 मालूम है तो इसका 4 टाइम्स कर दिया तो 4/3 आ जाएगा, है ना। अगर आपको 1/8 पता है तो 7/8 क्या होगा, 1/8 का जो भी आएगा उसका 7 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा इस चैप्टर का बेसिक क्या है, और यकीन मानिए ये जो मैंने यहाँ पर किया है ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा बेसिक है, सबसे बड़ा बेसिक। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे फटाफट हो जाएंगे आपके कि आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ लिखा हुआ है 20% of 50। ठीक है, अच्छा आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ और मैं क्या मेरा प्रोसीजर है, अगर उस पर आप ध्यान देंगे, जब आप अगर सारे लेक्चर्स आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको बेसिक से ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इंटरनेट पे सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि भैया मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोज़ दे दूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स दे दूँ जिससे आपको बस गुड फीलिंग आए, बस अच्छा लगे, उससे आपको कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया आपके लाइफ में कि सर ये तो सिर्फ हमने क्या किए हैं, हर एक चैप्टर में कुछ कुछ ट्रिक्स हमें आते हैं, बट क्या वही न्यूमेरिकल्स ही पेपर में आएंगे, क्या सिर्फ उतना ही सिलेबस है, उतना ही कोर्स है? नहीं, उतना ही कोर्स नहीं, कोर्स बहुत बड़ा है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर तैयार करवाना चाहता हूँ, एज ए जैसे कि क्लास में एक बच्चा आता है पढ़ता है उस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस आदमी का क्या थॉट प्रोसेस है और ये क्या थॉट प्रोसेस हमारे अंदर डालना चाहता है। ठीक है, अच्छा अब मैं अब मैं यहाँ पर इसको बताने के पहले एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक्स इज वॉट परसेंटेज ऑफ वाई। ठीक है, या इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे समझ लो, इस एग्जांपल में जो कहना चाह रहा है वो ऐसे समझ लो कि अगर ये लिखा है 20% of 50 लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 20% of 50, तो एक बच्चा इसको नॉर्मली, जो एक बच्चा है वो क्या करता, वो लिखता 20% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर कितना 50। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अब ये 50 इसको क्या बना देगा 2, और ये 2 इसको क्या बना देगा 10, तो ये तो 10 आ गया सर, आंसर आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा दिक्कत तो कुछ नहीं है, बट इसको अगर ऐसे समझें कि ये क्या लिखा था आपने 20% of 50, तो आपने क्या लिखा इसको 20/100 × 50, है ना। अच्छा, इस 100 को अगर मैं इसके नीचे डाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा 20 × 50/100, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसको आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 50% of 20, क्या पढ़ोगे 50% of 20। समझ में आया? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि x परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू
वाई परसेंट ऑफ एक्स, ये एक ही बात है, ठीक है। एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों ही केस में आप देखोगे तो एक्स अपॉन हंड्रेड इंटू वाई, और यहाँ क्या लिखोगे, वाई अपॉन हंड्रेड इंटू एक्स। इन दोनों ही केस में आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। तो सर इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं, इससे ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आपके पास में कुछ ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी जिसको आपको करने में दिक्कत जाएगी, बट अगर आप उसका उल्टा सोचेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो नहीं होना चाहिए, बट आगे अभी एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। तो जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का मैं बोलूं कि भाई तेरे पास कितने हैं, 5 लाख, मुझे 50% चाहिए, तो 50% कितना, 2.5 लाख। 50% आदमी आराम से कर लेता है, फटाक से कर लेता है ना। कहने का मतलब कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जो आदमी जल्दी सोच लेता है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि सर 20%, ठीक है, 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 20, तो 50% ऑफ 20 कितना होगा, 10 होगा ना, बस आ गया आंसर, सिंपल है, आ गया आंसर, ठीक है। ये एक तरीका, एक तरीका ये कि कभी भी अगर कुछ भी लिखा हुआ कि दिस परसेंट ऑफ दिस, तो आप अपने दिमाग में क्या चलाओ कि उन दोनों का जो भी डाटा दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मेंटली डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर उसमें 2 जीरो हैं तो उसको पहले ही कैंसिल करके मल्टीप्लाई करो। जैसे कि अब 20% ऑफ 50 है, तो इसका 0 और 0 हटा दिया तो बचा क्या, 5 और 2 कितना होते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद, 10, तो आ गया 10। तो ये 2 जीरो कहाँ गए, इसके नीचे 100 होगा ना, ये जो परसेंट है इसके नीचे 100 होगा, है ना, तो वो 100 मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो डायरेक्टली आ गया, समझ में आया। जैसे कि 75% ऑफ 400 है, अब इस एग्जांपल में आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, 75% ऑफ 400 है, तो एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा करेगा सर 75 upon 100 × 400, तो यहाँ पर ये 2 जीरो चला गया, तो 75 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 300। मैंने कहा हाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ना है, मगर अगर इसको ऐसे सोचो कि 75 में अगर उसको फ्रैक्शन में सोचो, तो फ्रैक्शन में क्या होता है 75%, अगर आपको याद हो तो 1/2 था आपका 50%, 1/4 था आपका 25% था। अब अगर इस 1/4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। इसका मतलब 75% और 3/4 एक ही बात है, तो यहाँ 75% की जगह अगर 3/4 में माइंड में सोचता तो मुझे क्या दिखाई देता कि 4 नीचे है और ऊपर 400 है, तो ऊपर क्या बचेगा, 100, और 100 में से 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300। तो ये आप माइंड में भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 75 upon 100 लिखते हैं, फिर उसको काटते हैं, क्या ये 25 से चला जाएगा, हाँ तो ये ऐसे करो। मगर मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में पहले से चले कि 75% फ्रैक्शन में क्या होता है, 3/4 होता है, तो 3/4 है ना, तो मतलब 4 नीचे है और ऊपर क्या है, 400, तो वो काटेगा तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। अब 100 × 3 कितना होगा, 300, तो सीधे लिख दो 300, समझ में आया। तो ऐसे आपको अपनी थॉट प्रोसेस करनी है, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 36% ऑफ 50 प्लस 45% ऑफ 20, ठीक है, 36% ऑफ 50, तो 36% ऑफ 50 क्या होता है, 50% ऑफ 36, बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 36% ऑफ 50 इज ऑल्सो रिटन एज 50% ऑफ 36, तो 36 का 50% कितना होगा, 18, आ गया, आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये क्या है 45%, ये क्या है 20, तो आपने क्या बोला था सर कि आपस में मल्टीप्लाई कर लिया करो, आपस में क्या कर लिया करो, मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो 45 × 20 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 900, नीचे क्या है 100, 2 जीरो हटा दो तो क्या बचेगा, 9, समझ में आया। तो 45% ऑफ 20 बोल लो या 20% ऑफ 45 बोलो तो भी आप निकाल सकते थे, है ना। तो अब आपको मालूम है कि भाई 45 × 20 करेंगे तो 900 आएगा, और नीचे एक 100 है तो 0000 चला गया,
तो बचा क्या, 9 बचा। अब 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये तो बहुत ही आसानी से निकल गया। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपका कैलकुलेशन टाइम बहुत बचेगा, आपके पास आपका दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आप ज़्यादा टायर्ड महसूस नहीं करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अरे मैं तो थक गया, बहुत मेहनत कर ली मैंने, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो है वो माइंड में ही कर रहे हो और आपको मज़ा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जाएगा। समझ में आया? और पेपर में वन ऑफ द फैक्टर है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आप पढ़ाई कितनी भी अच्छे से कर लो बट अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है तो भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते वहाँ पर। समझ में आया? समझ में आया? और एक एवरेज बच्चा है बट उसका कॉन्फिडेंस आपसे अच्छा है, हो सकता है कि वो उस दिन अच्छा परफॉर्म कर जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समझने वाली बात है। आप अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चले, तो यहाँ पर 36% ऑफ 50 या 50% ऑफ 36, तो 36 का 50% कितना होगा, 18, और 45 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 900। उसमें से दो जीरो हटा दिया, क्यों, क्योंकि नीचे 100 है हमें मालूम है, तो वो दो जीरो हटा दी तो बचेगा कितना, 9। तो 18 और 9 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर लिखा है 137.5% ऑफ 266.66% ऑफ 240। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर 1 का मतलब 100% है तो 2 का मतलब कितना होगा, 200। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक है सर, सर ये बात समझ में आ गई। ओके, अगर 100% इंक्रीज होके 150% बन जाए तो 100% को आप क्या मानते हो, 1 मानते हो, तो 150% को क्या मानोगे? तो आपने देखा कि 150% होता क्या है, 100 प्लस 50। हाँ या ना? 100% मतलब 1, 50% मतलब 1/2, तो 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ये बात समझ में, ये बात समझ में? तो आप 100% लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। 150% लिखो या 3/2 लिखो, एक ही बात है। या 3/2 को अगर आप ऐसे लिखोगे तो 1 प्लस 1/2। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये सब क्यों बता रहे हैं सर आप? क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये भी एक कंसेप्ट हमारा बना रहा है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल हमें एक कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा है। क्या है वो कंसेप्ट, ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 137.5%, तो एक बच्चा क्या करेगा, 137.5 अपॉन 100 इनटू, ऑफ का मतलब इनटू, 266.66, तो 266.66 अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू 240। आप करो इसको मल्टीप्लाई, करो। है दिक्कत इसमें? हाँ है दिक्कत। टाइम जाएगा? हाँ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बट टाइम जाएगा? हाँ जाएगा। और टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। वहाँ पर जो बैठा हुआ हर एक बच्चा है वो आपसे आगे सिर्फ किस वजह से है, क्योंकि उसको कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको नहीं आती हैं, और उसकी उस चीज़ों की वजह से वो अपना क्या बचा रहा है, टाइम बचा रहा है। आप लोग को अगर वो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो आप और वो दोनों वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे, बट हो सकता है कि वो 1 घंटे में कर दे और आप 3 घंटे में करो, बट पेपर कितने घंटे का है, 3 घंटे का थोड़ा ना है। बात समझ में आई? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझनी है। तो अब आप देखो कि ये 137.5 में से आपने 100 अलग किया और 37.5 अलग किया। 100 का मतलब क्या हो गया, 1। 37.5 अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको मालूम हो तो मैंने डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो बताओ 3/8 कितना होगा, तो 3/8 होगा 37.5%। इसका मतलब 37.5 का मतलब कितना होता है, 3/8, तो यहाँ पर 3/8 लिख दिया। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 अपॉन 8, मतलब 11/8। तो 11/8 बोलो या 137.5% बोलो, एक ही बात है। ये बात समझ में आई? अभी मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो ये आपको इस लेवल पे आना चाहिए कि आपको पता हो कि 137.5 लिखा है तो सीधे लिखो 11/8। माइंड में चलना चाहिए कि 1 प्लस 3/8 मतलब 11/8। हाँ ये हो गया, ठीक है। 150% मतलब 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। हाँ समझ में आ गया।
तो अब यहाँ पर आ जाइए, 266.66%। तो 266.66% है, तो इसकी जगह मैं अभी क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया ये 11/8, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब क्या कर रहे हैं अपन ध्यान से देखो, अब 266.66% था, तो 266.66% को मैंने लिखा 200 + 66.66%। 200 को तो मैंने 2 मान लिया, मान सकते हैं ना, बताया ना अभी कि अगर 100% को आप 1 मान रहे हो तो 200% को आप क्या मानोगे, 2 मानोगे। अब 66.66% है, कितना परसेंट है, 66.66%। अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर 1/3 आपका 33.33% है, ठीक है, तो 2/3 कितना होगा, 2/3 होगा 66.66%। तो इसका मतलब 66.66% कितना है, 2/3 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है ये परसेंट है, ये जो है ये परसेंट है। तो 266.66% इज इक्वल टू, ये एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 8/3, ठीक है, 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3। तो आप 266.66% बोलो या 8/3 बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 8/3। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, अब ये 8 और 3 कितना हो गया, 24। इस 24 को क्या बना देगा, 10, समझ में आया। और 8 × 11 = 88, 88 × 10 = 880। तो ये आ गया आपका 880। तो आप देखो कितने आसानी से आपने कर दिया इसको। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये इतना टाइम तो गया, मगर ये टाइम नहीं गया, ये हमने सीखा है। जब आप ये सीख जाओगे, इस तरह से आप सोचना शुरू करोगे, तो आप सोचो आप 266.66 × 137.5 को मल्टीप्लाई करते क्या, फिर जो आता उसको फिर 10,000 से डिवाइड करते क्या, क्योंकि 100 × 100 नीचे है, और फिर जो आता उसको 240 से मल्टीप्लाई करते, तब जाके आपको 880 मिलता। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपका काम आसान होगा। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का। अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 112.5%, है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये 100 तो अलग कर लिया, तो वो तो हो गया 1, और ये क्या बचा, 12.5। 12.5 क्या होता है, 12.5 क्या होता है, सोचो 1/8 होता है, 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है, तो ये हो गया 1/8। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 9/8 लिखा हुआ है। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, पक्का, पक्का, ठीक है। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है 225%, तो 225% का मतलब क्या है, 2 + 25%, 25% कितना होता है, 1/4 होता है भैया, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4। समझ में आया। तो सर ये तो बहुत ही आसान है, अगर ऐसे सोचेंगे तो हमारा कितना काम हो जाएगा, हमारा बहुत काम हो जाएगा। और ये आपको वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर कभी भी कोई चीज़ डेसिमल में दी गई है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, पक्का। अगर आपके सामने लिखा हो 111.11%, मतलब 111.11%, तो आपने इसमें से 100 निकाला, वो तो 1 हो गया। अब 11.11 क्या होता है, 1/9, तो आपने लिख दिया 1/9, तो ये कितना हो गया, 10/9, ये कितना हो गया, 10/9। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का, कन्फर्म, श्योर, ठीक है। अगर आपके पास में लिखा हुआ है 216, इसको 316 मान लो, ये 316.66 लिखा हुआ है, तो 300 हटाया इसमें से तो 3 आया, अब 16.66 कितना होता है, 1/6 होता है, तो 6 × 3 = 18 + 1 कितना हो गया, 19/6,
तो अब 19/6 से आपको किसी चीज़ को हैंडल करना है तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको या इसका इससे आसानी पड़ेगी आपको, समझ में आए? तो फ्रैक्शन का बहुत यूज़ है परसेंटेज में। अगर आप फ्रैक्शन से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है अगर आप फ्रैक्शन की तरफ लेके जाते हो और ये सोचते हो कि अच्छा ये जो परसेंटेज दिया है इसको फ्रैक्शंस की तरह सोचो तो आपका काम जल्दी बनेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो एक और चीज़ देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई देन वॉट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, वॉट परसेंट ऑफ किसके साथ लगा है? x के, इसका मतलब x कितना रहेगा, कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। समझ में रहा? तो वॉट परसेंट ऑफ x इज y, तो y x का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, y x का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, इसका मतलब y ऊपर रहेगा और x नीचे रहेगा। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? तो अब आपको ये निकालना है, मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, y अपॉन x इंटू 100 निकालना है। ये बात समझ में आई? तो आपको y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए। समझ में आया? अब कैसे निकालेंगे सर, ये तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। अब आप एक चीज़ को समझो ज़रा, मैं पहले वो ट्रेडिशनल मेथड से लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब एक बच्चा क्या करेगा, इसको ऐसे लिखेगा 50% ऑफ x माइनस वाई, फिर 30% ऑफ x प्लस वाई, और फिर ये 100 100 काटेगा। तो ये जो काटने वाला काम है ना, ये आप अपने दिमाग में करो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि अगर यहाँ पर भी किसी चीज़ का 50% हो रहा है, कि कुछ परसेंट हो रहा है, और यहाँ भी कुछ परसेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों नंबर के नीचे 100 आएगा। तो वो 100 तो अगर इक्वल टू के इधर उधर हैं तो कटेंगे ना। तो उसको लिख के काटने की क्या ज़रूरत है, उसको दिमाग में भी काट सकते थे ना। समझ में आया? दूसरा सर, ये 50 है और ये 30 है, तो इसका भी एक एक ज़ीरो कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो इसको 50 और 30 क्यों सोच रहे हो, इसको 5 times और 3 times सोचो ना। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5x - y, ये लिखा हुआ है 3x + y। समझ में आया? और ये चीज़ अगर आपने दिमाग में कर ली तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे, या तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कैसे बताता हूँ, अगर आप माइंड में सोच सकते हो कि यार ये 5x इधर है और ये 3x इधर है और ये दोनों क्या हैं, प्लस में हैं, तो बड़े के पास छोटे को भेज दो, तो 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 2x। ठीक है, और ये कितना है 3y, ये कितना है -5x। अब -5x तो छोटा है, तो छोटे को बड़े की तरफ भेज दो, तो -5x उधर जाएगा, 3y -5y 3y के पास जाएगा, तो कितना बनेगा, 8y बनेगा, तो ये बन गया 8y। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, y अपॉन x चाहिए। इसका मतलब 2/8 इज इक्वल टू कितना, y/x, यही होगा। और y/x इंटू 100 करना था, तो इंटू 100 कर दो, तो ये आ गया आपका आंसर। अब 2/8 कितना होता है, 1/4, 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 25%। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का लिखा हो परसेंटेज, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर लिखा होता कि भाई 30% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y, तो भाई ये लिखा है 3x इज इक्वल टू 4y, सीधी सी बात है। यहाँ से ये 0 0 काटोगे ना बाद में, और यहाँ नीचे जो 100 आएगा वो भी काटोगे, तो जाहिर सी बात है ये क्या लिखा हुआ है 3x, ये क्या लिखा है 4y। बस ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। अगर आप इतने तेज़ी से दिमाग चलाओगे तो ही आपका काम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा था वो क्या लिखा था, 50% ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ लिखा था 30% ऑफ x प्लस वाई। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए था, कि इसके दोनों के नीचे 100 है वो कटेगा, हाँ कटेगा, ये 0 0 कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये क्या बनेगा 5x, और ये क्या बनेगा 3x, तो 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा 2x, ये कितना बनेगा -5y, ये कितना बनेगा +3y, तो 5y को उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू कितना बनेगा 4y, तो y अपॉन x कितना आएगा, y अपॉन x आएगा 1/4, तो इसमें इंटू 100 करो, इसमें भी इंटू 100 करो, तो ये कितना आ जाएगा 25%।
तो ये जो मैं पेन चला रहा हूँ, ये पेन की जगह आपका क्या चलना चाहिए? दिमाग चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग चलेगा इस तरह से जिस तरह से मेरा पेन चल रहा था, तो आपको बहुत आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने, समझ में आया? और ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, ये भी आप बात मान लीजिए, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस करते समय आप लोग अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हो कि नहीं आज ये शीट मुझे ख़त्म ही करनी है। आप ये बोलो भैया, शीट ख़त्म करना टारगेट है या शीट को समझते हुए ख़त्म करना टारगेट है? शीट दी किस लिए गई है आपको? अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या खुद से भी पढ़ रहे हो, तो आप ये सोचो कि अगर मुझे समझ कर आगे बढ़ना है या सिर्फ एक टारगेट पूरा करना है, आज मुझे करना था मैंने कर लिया, बट तुझे आता कितना है वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं सेटिस्फाई खुद ही नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई करते समय टारगेट जो सेट करिए वो ये सेट करिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें 100% आना चाहिए। ये नहीं कि हमने आज 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से 10 गलत हैं, ठीक है, ऐसे टारगेट नहीं बनाना चाहिए। ये टारगेट थोड़ा ना है, ये टारगेट तो लास्ट के लिए रखो ना। अभी तो जब सीखने का टाइम है, जब आपको सीखना है तब आपको यहाँ पर ये सीखना है कि भैया मुझसे तो क्वेश्चन को कैसे बनता है पहले वो करो, उसको स्पीड से करना है, वो स्पीड एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं? अच्छा इसको सोच के देखो, अच्छा 50% ऑफ x प्लस वाई और 30% ऑफ x माइनस वाई, मतलब 5x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ऐसा कुछ होगा, हाँ ठीक है, तो ये 5x ये 3x तो इधर आएगा तो 2x, अच्छा ठीक है, ये माइनस 5y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y है, तो माइनस 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, हाँ यहाँ 2 यहाँ 8 तो 1/4, हाँ ठीक है। तो इस तरह से दिमाग चलाना है आपको। अगर इस तरह से दिमाग चलाओगे ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे रीड करते ही कर लोगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप दिमाग से ज़्यादा यूज़ लेते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर लोगों को कंपटीशन दे सकते, समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका 40% उसका 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज कितना, 504, ठीक है, तो बताइए कि उस नंबर का 25% ऑफ 2/5 कितना हो। तो यार ये तो बहुत सारे ऑफ हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हैं, तो इसको अगर लिख के देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 40%, तो एक बच्चा लिखेगा इसको 40/100, फिर एक लिखेगा इसको 60/100, फिर एक लिखेगा इसको 3/5, और ये कोई नंबर है, ये नंबर किसके बराबर है, 504 के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसका आपको क्या निकालना है, 25% ऑफ 2/5, मतलब आपको जो निकालना है वो ऐसा कुछ है, 25% ऑफ 2/5 ऑफ ए, आपको ये निकालना है, समझ में आया, आपको ये निकालना है। तो यार ये तो कैसे निकालेंगे, तो एक बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो ए निकालेगा, फिर उस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेगा, ठीक है, उस ए की वैल्यू यहाँ पुट करेगा, तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे किसने भरे, आपने भरे, तो चॉइस किसकी, आपकी, है ना, चॉइस किसकी, आपकी, सर हमें इस साल पेपर निकालना ही नहीं है, हम तो अगले साल निकालेंगे, तो वो आपकी चॉइस है, बट हमें इसी साल पेपर निकालना है और अच्छे से निकालना है, वो भी चॉइस आपकी है। तो पढ़ाने वाला समझाने वाला आपको सिर्फ समझा सकता है, आपकी जगह पेपर देने नहीं जा सकता, पेपर देने आपको खुद ही जाना है ना, पेपर देने आपको खुद ही जाना है, तो फाइनल डिसीजन पेपर में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपको करना है। आप कोई सेल्फ मोटिवेशन आपको दिलाने की कोई कोशिश करे, कोई मोटिवेट करने की कोशिश करे, तो कितना मोटिवेट करेगा, है ना, तो मोटिवेट जो होना है वो कभी भी किसी की बातें सुन के नहीं होना है, आपको मोटिवेट खुद ही होना पड़ेगा, और वो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर ही है, ठीक है। ये प्रवचन और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आजकल, उनकी बातें आप सुनोगे तो आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, क्योंकि जो लोग भी वहाँ जाते हैं, मैं नहीं मानता कि उनके पास दिमाग है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो वो लोग ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं जो आप लोग को नहीं मालूम है, समझ में आया। डॉक्टर बोलता है ना, शुगर मत खाओ ज़्यादा, नमक मत खाओ ज़्यादा, है ना, हमको मालूम है, बिट भी हम खाते हैं,
तो उसका इफेक्ट किसको पड़ता है? हमें ही पड़ता है ना। बट अगर हम उसकी बात को फॉलो करें, मान लें, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है वो शुगर बनती है, ग्लूकोज बनती है, सेलुलोज बनती है, ये सारी चीज़ें हमको मालूम है, ठीक है। तो मीठा खाओगे तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, ये तो बात की बात है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे? अच्छा, तो तो सर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको अगर इस तरह से सोचा जाए, तो इसको रब करें थोड़ा सा, इसको रब करके एक बार और सोचते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पर सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। सवाल सॉल्व करना तो आपको आता है ना। यहाँ पर मुझे आपको जो सिखाना है वो सिखाना है कि एक थॉट प्रोसेस मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस कैसी चलनी चाहिए। अगर वो चली गई आपके दिमाग में तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये 40% लिखा है, 40% मतलब 40/100 मतलब 4/10 मतलब 2/5, 60% मतलब 60/100 मतलब 6/10 मतलब 3/5। समझ में आया क्या बोला? हाँ, 40/100 है तो ये 4/10 हो गया, 2/5 हो गया, आया। 60% है तो ये 6/10 हो गया, 2 से काटोगे तो 3/5 आ गया। समझ में आया? बस वही तो लिखा है, तो ये हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3/5 ऑफ नंबर इज इक्वल टू कितना, 504, ठीक है, लिखा हुआ है। अच्छा, तो सर आपको तो इस नंबर का 25% निकालना है, तो 25% कितना होता है, 1/4। अब ये 1/4 तो आप एडिशनल लेके आ रहे हो, तो उसको यहाँ भी लाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है सर, समझ में आ गया। उस 25% ऑफ 2/5, तो 2/5 आप खुद से लेके आ रहे हो, तो वो 2/5 यहाँ भी लाना पड़ेगा, हाँ ठीक है सर। ऑफ ए नंबर, वो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पे ये सर्कल लगा हुआ है वो यहाँ पर रहेगा, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं जो बॉक्स में हैं वो चीज़ यहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 504, यहाँ क्या लिखा है, 1/4, फिर क्या लिखा है, 2/5 इंटू, ये 2/5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 5/2, ये 3/5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 5/3, ये 3/5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 5/3। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, पहली बात तो ये 5/5 चला गया, ये 2/2 चला गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 4 है वो इसको क्या बना देगा, या इसको पहले 3 से कैंसिल कर दो, 3 से ये क्या चीज़ बन जाएगी, 3 से क्या बनेगा, ये 1 6 8 बनेगा, 3 8 24 का 4 2 और 48 2 50, ये हो गया, 3 से चला गया, तो 3 काटो यहाँ से, ठीक है। अब ये फिर से 3 से जाएगा, हाँ फिर से जाएगा 3 से, तो ये 3 से फिर से जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 बन गया, ठीक है सर, ये भी चला गया। अब इसको 4 से काटो, तो 4 से काटेंगे तो 4 1 4 4 1 4 और 4 4 16, तो ये भी चला गया, ठीक है। तो सर ये तो कैंसिल हो गया, तो अब नीचे कुछ बचा क्या, नीचे आपका कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ बचा आपका नहीं बचा। तो अब आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। अब 14 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और 5 से, मतलब 25 से। तो 14 और 25, अगर आपको पता हो कि किसी भी नंबर को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आधा करके एक ज़ीरो लगा देते हैं, तो अगर 25 से करेंगे तो क्या करेंगे, दो बार आधा करके दो ज़ीरो लगा देंगे, मतलब 14 का दो बार आधा करो, एक बार आधा करोगे तो कितना आएगा, 7, एक बार आधा करोगे तो कितना आएगा, 3.5। अब 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 350। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है। आप
कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, तो देखो 504 यहाँ पर था, उसको जब मैंने इस 3 से काटा तो 168 आया, फिर इस 168 को जब मैंने इस 3 से काटा तो 56 आया, फिर मैंने इस 4 से काटा तो 14 आया, ठीक है। ये 5 5 ऑलरेडी यहाँ से कट चुका था, ये 2 2 ऑलरेडी यहाँ से कट चुका था, और ये 5 × 5 तो ये रहा, और ये 14 यहाँ है। 25 × 14 करोगे तो आप कर सकते हो, आप 25 × 14 को करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये 25 × 10 कर लो, कितना हो गया 250, ठीक है। और 25 × 4 कर लो, कितना हो जाएगा 100, 250 और 100 कितना हो गया 350, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का। तो ये जो फ्रैक्शन का एप्लीकेशन है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई जो बच्चा जो करने वाला था वो क्या करता कि ये तो पहले चलो मान लो फ्रैक्शन लगा भी देता, ठीक है, तो वो क्या करता पहले यहाँ से एक ही वैल्यू निकालता और फिर उसका 1/4 और 2/5 करता। मैंने क्या किया, यहीं पर 1/4 2/5 कर दिया और ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एडिशनल चीज़ थी जो आप लेके आए थे। तो जब आप कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो दोनों तरफ वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में मिलते हैं, कुछ अच्छे और भी बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर ऐसे करते करते हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।